हैं कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान और इसमें पढ़ रहे हैं आखिरी अध्याय भारतीय राजनीति नए बदलाव। आज हम इसके पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि केंद्र में पहली गठबंधन सरकार कब बनी। ऑप्शन है पहला 1977 में, 1989 में, 2004 में या आखिरी ऑप्शन 2014 में। उत्तर है इसका 1977। केंद्र की पहली गठबंधन सरकार सन 1977 में बनी। फिर इसका दूसरा, एनडीए का पूरा नाम क्या है। तो एनडीए का पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस। प्रश्न तीसरा है, यूपीए का गठबंधन कब किया गया। यूपीए का गठबंधन कब किया गया। तो उत्तर है 2004 में यूपीए का गठबंधन किया गया। अब है प्रश्न चार, इनमें से कौन प्रधानमंत्री नहीं था। उत्तर है सोनिया गांधी इनमें से प्रधानमंत्री नहीं बनी। फिर है कि भाजपा का गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। भाजपा का गठबंधन, भाजपा किस गठबंधन का नेतृत्व करती है। तो उत्तर है कि भाजपा एनडीए का नेतृत्व करती है। फिर है गठबंधन सरकार से क्या आशय है। तो कई दलों से जो मिली जुली सरकार बनती है वह गठबंधन सरकार कहलाती है। तो गठबंधन सरकार से आशय है कि कई दलों से मिली जुली सरकार। फिर है कि किस वर्ष से केंद्र में गठबंधन सरकारों की परंपरा चली आ रही है। तो 1989 से केंद्र में गठबंधन के सरकार की परंपरा चली आ रही है। 2014 के चुनावों में किस गठबंधन की सरकार बनी। 2014 में के चुनावों में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। अब है खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं उसे क्या कहते हैं। उसे गठबंधन सरकार कहते हैं जो अनेक दल या पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। फिर है दूसरा कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका का सरकार गठन में बढ़ने को लोकतांत्रिक उछाल कहा जाता है। लोकतांत्रिक उछाल कहा जाता है। फिर है, केंद्र में पहली गठबंधन सरकार सन 1977 में बनी। भाजपा गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी। फिर है, वीपी सिंह ने जन मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। वीपी सिंह ने जन मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। यूपीए कांग्रेस तथा
यूपीए कांग्रेस तथा भाजपा एनडीए भाजपा समर्थित गठबंधन है। फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना खालिस्तान ने की थी। काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। 1977 के चुनावों की सफलता ने जयनाथ प्रकाश नारायण को लोकनायक बना दिया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बना दिया था। शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न पहला है कि 1950 से लेकर 1964 में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो 1950 से लेकर 1964 में राजनीतिक व्यवस्था स्थिर थी और एक दल के प्रभुत्व की राजनीति व्यवस्था थी। फिर है कोलेलिशन कौन सी भाषा का शब्द है। तो यह लैटिन भाषा की का शब्द है। जिस सरकार में एक से अधिक दलों की भागीदारी होती है उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार बनाने के मुख्य कारण क्या है। तो राष्ट्रीय दलों की कमजोर स्थिति के कारण गठबंधन सरकार बनती है और राजनीतिक दलों की कमजोर स्थिति गठबंधन सरकार बनने का मुख्य कारण है। अटल बिहारी वाजपेयी किस गठबंधन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री बने। फिर है जनता दल की सरकार के पतन के क्या कारण थे। तो अल्पमतीय सरकार कम मतों की सरकार बनने के कारण जनता दल की सरकार के पतन के कारण थे। 1966 में लोकसभा चुनाव में किस दल को सर्वाधिक सीटें मिली थी। तो भाजपा या भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली थी। 2014 के चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री बने। तो श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। फिर है राजगा का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। फिर संप्रग का पूरा नाम क्या है। तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला है गठबंधन सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करती है। यह कथन सत्य है। फिर है दूसरा कि गठबंधन सरकार का सदस्य प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना गठबंधन से अलग नहीं होता। यह कथन असत्य है। कांग्रेस के कमजोर होने के कारण क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व प्रारंभ हुआ। सत्य है। फिर गठबंधन सरकार से लोकतंत्र व देश मजबूत होता है। असत्य है। यूपीए के चेयरमैन अमित शाह है। असत्य। गठबंधन सरकार में प्रधान
असत्य कथन है ये। गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे, यह है असत्य। और बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, यह सत्य कथन है। अब है प्रश्न, सन 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के कुछ मुद्दे रहे हैं और इन मुद्दों से राजनीति दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए हैं, उनको लिखिए। उत्तर है, 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति में कुछ विशेष स्थान महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि इसका प्रभाव आगे की राजनीति पर भी पड़ा और ये मुद्दे निम्नलिखित हैं। सबसे पहला इसका कारण है कि कांग्रेस की कमजोर स्थिति। 1984 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उन चुनावों में कांग्रेस ने 415 सीट पर अपनी विजय हासिल करी और इससे उसने एक इतिहास भी रचा। वहीं पर 1989 के चुनावों में मात्र 197 सीट ही प्राप्त कर पाई, जो कांग्रेस की प्रमुखता की समाप्ति के कारण क्षेत्रीय दलों में वृद्धि व अन्य राजनीतिक दलों में गठबंधन होने लगा था। फिर दूसरा मंडल आयोग की सिफारिश है, सन 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शासकीय सेवा में 27% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इससे सभी पार्टियों में वोटों की राजनीति होने लगी और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को लुभाने एवं अनेक राजनीतिक दल बन गए। फिर तीसरा आर्थिक सुधार, भूमंडलीकरण और उदारीकरण के कारण आर्थिक नीतियों में बुनियादी परिवर्तन किया गया। जो आर्थिक सुधार के कारण राजनीतिक दल जो थे वह दो भागों में बट गए। दक्षिणपंथी जो दो भागों में बटे हुए थे, पहला दक्षिणपंथी व वामपंथी, इससे समान विचारधारा धारा वाले राजनीतिक दलों में आपसी जुड़ाव हुआ। फिर है बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस, तो 1992 में दिसंबर महीने में अयोध्या स्थित विवादित ढांचा जो था बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था उसको नुकसान पहुंचाया गया और इस मस्जिद के विध्वंस से हिंदुओं व धर्म निरपेक्षता की राजनीति में प्रवेश हुआ और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस आधार पर गठबंधन किया जाने लगा। फिर है प्रश्न कि आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी, इस दौर में उस पार्टी के विकास के क्रम का उल्लेख कीजिए। उत्तर है कि सन 1975 से लेकर 1977 तक लगभग 18 महीने तक के समय आपातकाल रहा और 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और इसके पश्चात कांग्रेस की हार होने के बाद जनता पार्टी की सरकार जिसमें भारतीय जनसंघ भी शामिल था और 1980 में जनसंघ के सदस्य भारतीय जनता पार्टी नामक एक नए राजनीतिक दल का गठन किया गया। 1980 में आंदोलनों का दौर रहा और गठबंधन सरकार की शुरुआत दशक के आखिरी वर्षों में हो गई। 1989 में संयुक्त मोर्चा की सरकार भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए समर्थन से बनी। संयुक्त मोर्चा सरकार बार बार समर्थन वापस।
1991 में फिर चुनाव, जिसमें भाजपा बड़े विपक्षी दल के रूप में और भाजपा का वोट प्रतिशत लगभग डबल हो गया, दोगुना हो गया। पूर्वोत्तर राज्य असम में तथा दक्षिणी राज्य कर्नाटक में पहली बार उसने सीटें जीती। 1996 के चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सरकार बनाई, लेकिन विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई। इस कारण जनता दल के देवगौड़ा सरकार बनाई। 1998 में लोकसभा के चुनावों में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन ज्यादा दिनों तक और भी शासन नहीं कर पाई और 1999 में पुनः चुनाव में भाजपा गठबंधन की सरकार बनाई, जो 2000 तक सत्ता में रही। इस दौरान राज्यों में भाजपा मजबूत होती रही। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में भाजपा मजबूत होती रही और केंद्र में भी मजबूत रहे। 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की गठबंधन ने 325 सीटें जीतकर विजय हासिल करी और भाजपा 282 सीटों पर विजय के साथ सबसे बड़े दल के सदस्य के रूप में थी। इसके बाद इसके जनाधार की संपूर्ण भारत में वृद्धि हुई। फिर है कि कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया। इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका उत्तर है कि स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से लेकर 1989 तक कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी रही और आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव को छोड़कर 1992 से 1989 तक कांग्रेस ही केंद्र की सत्ता में रही। 1989 में कांग्रेस पार्टी की हार और 1991 के चुनाव में कांग्रेस अपनी स्थिति में सुधार करते हुए पुनः सत्ता में आई। 1996 के चुनाव के बाद कांग्रेस कमजोर होती गई धीरे धीरे और केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी गैर सरकारी गैर कांग्रेसी सरकारें बनती रही। 2004 के चुनाव में कांग्रेस पुनः गठबंधन की सरकार बनाने में सफल रही। 2009 के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। इससे ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस पुनर्स्थापना की ओर है, परंतु 2014 में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सबसे भयानक और शर्मनाक हार, कांग्रेस मात्र 44 सीटों पर ही रह गई। इसके बाद कई राज्यों में भी उसकी स्थिति निरंतर कमजोर होती रही। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पुनः सफलता प्राप्त की और वर्तमान में भी कांग्रेस 2014 के चुनावों की तुलना में मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस के एकल प्रभुत्व का दौर समाप्त हो चुका है, लेकिन देश की राजनीति में कांग्रेस का असर कायम है और कभी कभी यह देश की राजनीति को बदलने की क्षमता रखती है।